बिहार दरगाह का तैयारी करते हैं जो बच्चे, वे खास करके अभी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हाँ। प्री निकालना है, मेंस निकालना है, फिजिकल पे बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं। तो आप ये बताइए कि उनको फिजिकल कब शुरू कर देना चाहिए? पटना में अमूमन, खास करके पटना में इंडिविजुअल जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उसका मैं 5 उंगली है, 5 चीज याद रखिएगा। अच्छा सर, अभी हाल ही में झारखंड पुलिस का जो फिजिकल हुआ, इसमें ऐसा केस आया कि बच्चे दौड़ते दौड़ते उनका डेथ हो गया, तो वैसा कैसे हो सकता है? कभी कभी सर ऐसा लगता है ना कि हम यहीं पे कमांडो बन चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और शिक्षक हमारे बीच कई रूप में होते हैं। कोई पढ़ाते हैं, कोई मोटिवेट करते हैं, कोई गाइड करते हैं, कोई ट्रेनिंग देते हैं। तो आज हमारे साथ है सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर सर निकेश सर। ये सर कोई मतलब ऐसे ही ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं, आप इनके बारे में देख सकते हैं कि 17 साल देश की सेवा करने के बाद पूर्व पैरा कमांडो निकेश सर अभी पटना में उन सारे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो किसी न किसी फोर्स का तैयारी कर रहे हैं। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेलकम, आपका ही वेलकम। तो सर, सबसे पहले बात की, आप पैरा कमांडो थे तो आप इतने अच्छे जॉब को छोड़ करके आप इस फील्ड में क्यों आ गए? नहीं, हम जॉब कहाँ छोड़े हैं, 17 साल मैंने जॉब करके आया हूँ। भारत सरकार फर्स्ट क्लास से पेंशन दे रही है। तो फिर आपको मतलब ये ऐसा मन में क्यों आया कि आपको बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहिए? देखिए, सिंपल सी बात है, आपको एक बार लाइफ में एक बार मिलती जिंदगी। हम जो जिंदगी जीना था मुझे, देश की सेवा करना, तो मैं जी चुका था और दोबारा मैं एक नया अपना इतिहास लिखना था मुझे कि कुछ अलग करें। तो वहाँ पे आए और मेरा मन में कहीं ना कहीं ये कशिश था कि पैरा स्पेशल फोर्स के बारे में हमारे बिहार के बच्चे कम जानते हैं, उनके बीच में हम इस बातों को जानकारी दें, क्योंकि बिहार की जो सरजमी है, जो यहाँ के बच्चे हैं, इस मिट्टी से जुड़े हुए और देशभक्ति के लिए उनके एक कनकन में है। तो ये नहीं कि बिहार के बच्चे में क्वालिटी नहीं है, लेकिन 90% जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, फौज के बगैर जीना नहीं चाहते हैं। वो इसलिए फौज में आना चाहते हैं, ये नहीं कि वो जी नहीं सकता, लेकिन वो फौज के बगैर जीना नहीं चाहते हैं। तो हम इसलिए मेरे में आया कि इतनी अगर जुनून है उनके बीच में तो क्यों ना एक बार बताया जाए, जो कि इनकी बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है और वो हमारे बिहार के बच्चे कर सकते हैं। ऐसा तो बात है कि बिहार के बच्चों में फोर्स में जाने का बहुत ज़्यादा जुनून है। हाँ, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो सर से मिले और अभी सर आज शिक्षक दिवस मना रहे थे, सर से हम अभी सर जो मेरे दर्शक है अधिकतर खास करके दरोगा के दर्शक जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो हम आपसे विशेष रूप से दरोगा का क्या फिजिकल होता है उसके बारे में आपसे विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। क्यों नहीं, लेकिन उस चर्चा को हम वहाँ पर करेंगे जहाँ पर सर ट्रेनिंग करवाते हैं, गांधी मैदान में। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं गांधी मैदान में। ओके दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं पटना के गांधी मैदान में, जहाँ पर देख सकते हैं आप हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पर आए हुए हैं और ये यही सोच के आते हैं कि हमको किसी न किसी एग्जाम का फिजिकल निकालना है। जैसा कि आपको हम बताए थे कि हम आज आपको सोलंकी डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर सर से मिलाएंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से किसी भी फोर्स के लिए फिजिकल का तैयारी कराया जाता है। हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं और यहीं पर सर पटना गांधी मैदान में सर फिजिकल का तैयारी कराते हैं बच्चों को। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पैरा फोर्स, सबसे पहले आज हम टीचर डे का आपको बधाई देते हैं टीचर जी के उपलक्ष्य में, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज हमारे से आर्मी से रिलेटेड पूछे, उसके लिए आपको धन्यवाद, तहे दिल से। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि पैरा मिलिट्री फोर्स क्या होता है? पैरा स्पेशल फोर्स, मिलिट्री नहीं बोल सकते इसको, पैरा स्पेशल फोर्स, इसको स्पेशल फोर्स बोलते हैं। जब स्पेशल आप लगा दिए तो स्पेशल फोर्स। आर्मी कई प्रकार की होती है और ये स्पेशल फोर्स स्पेशल तैयार किया जाता है। एक आर्मी जब आप ज्वाइन करते हैं, एक आर्मी बनते हैं 9 महीने के बाद ट्रेनिंग के बाद, फिर आपके अंदर में जुनून और जज्बा और ताकत, या बोल सकते हैं मौत से खेलने का जिगरा रखे हुए हैं, तब आप स्पेशल फोर्स ज्वाइन कीजिए। मतलब आपको ट्रेनिंग में एक बार मौत का नज़ारा दिखा के वापस करेगा, मरने नहीं देंगे, लेकिन आपको एक बार मौत से रूबरू होना पड़ेगा। इतनी इसकी हार्ड और स्ट्रेंथ बैलेंस बनाने के लिए ऐसी ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी ऐसी उसमें व्यवस्था रखी गई है, जो कि एक मेंटली प्रेशर और वर्कआउट प्रेशर, और उसमें इस तरह से उसको ट्रेनिंग दी जाती है। बहुत ही स्ट्रगल, जैसे हम सब 135 स्टूडेंट आर्मी मतलब ज्वाइन किए थे आर्मी से, मतलब जैसे स्पेशल फोर्स के लिए, तो उसमें 30 बंदे सिलेक्शन हुए थे, कितना में, 132 में। तो सोच सकते हैं कितना टफ होगा, मतलब सब लास्ट में 3 महीना के अंदर जाते जाते सिलेंडर फोड़ जाते हैं,
जो आप अगर सिलेंडर अगर आपके अंदर में मादा है तो आप स्पेशल फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पैरा स्पेशल फोर्स और एनएसजी कमांडो में क्या अंतर होता है? पैरा और स्पेशल फोर्स में और एनएसजी कमांडो में आसमान जमीन का अंतर हम कर सकते हैं। एनएसजी कमांडो हमारे बच्चे सब काफी जानते हैं, एनएसजी कमांडो क्योंकि वो स्टेट लेवल पे वर्क होता है। आपका जैसे सपोज एग्जांपल यहाँ पे आपका ताज होटल में कांड हुआ, तो जो पहला रिएक्ट करेगी एनएसजी कमांडो में उसमें भी बटा हुआ पार्ट है 51 एनएसजी कमांडो। कौन? 51 एनएसजी। 51 एनएसजी कमांडो का है, मान लिया जाए किसी ताज होटल या किसी रूम में मिलिट्री एजेंसी का एंट्री होता है तो उसमें सबसे पहला जो एंट्री पॉइंट होगा वो 51 एनएसजी कमांडो करेगा। और 52 एनएसजी कमांडो जो हाईजैक बूस्टर बोला जाता है, जो कि इंडियन आर्मी जिस जहाज पे आप जाते हैं उसके अंदर में एनएसजी कमांडो मौजूद होता है। 52 एनएसजी कौन? 52 हाईजैक बूस्टर जिसको बोलता है। ये मत सोचिए कि जितनी जहाज आ रही है इंडियन आर्मी में उसमें कोई नहीं है, उसके अंदर में ऑलरेडी कमांडो बैठा हुआ है। गलती से भी गलत फहमी में ना रहिए, ये चीज। चलिए आप थोड़ा यहाँ का बात करते सर कि यहाँ पर आप बच्चों को किन किन चीज का फिजिकल का तैयारी कराते हैं, किन किन एग्जाम्स? देखिए एक्चुअली क्या है, जब यहाँ पे आए तो ऑल डिफेंस की हम तैयारी करवाते हैं। मैं खुद आर्मी से रिटायरमेंट आया हूँ, पैरा स्पेशल फोर्स से। मैंने पैरा स्पेशल फोर्स का पहले भर्ती जो अभी भी आज सेंटर इकलौता एक है इंडिया के अंदर में, मैं आपके कैमरा के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस भी बच्चे बच्चियों को नहीं पता है जो पैरा कमांडो बनना चाहते हैं उसका एक ही सेंटर है पूरा इंडिया के अंदर में, वह है बेंगलोर के अंदर में। बेंगलोर में वहाँ पे आप डायरेक्ट पहले भर्ती होती थी, अभी रिलेशनशिप कर दिए हैं। जिसका पेरेंट्स जिसका भाई है उसमें आप रिलेशनशिप भर्ती निकलता है, उसमें आप अटेंड कीजिए। 9 मंथ ट्रेनिंग करने के बाद आपको सबको सब आपको पैरा स्पेशल फोर्स के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप सिलेक्शन 3 महीने के बाद करेंगे तो आप स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे, अदरवाइज आपको वहाँ से रिजेक्ट करके किसी भी इंडियन आर्मी में, अगर मैं बिहार का हूँ तो मुझे बिहार रेजिमेंट में डाल दिया जाएगा, कोई राजस्थान का तो उसको राजस्थान रेजिमेंट में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पैरा स्पेशल फोर्स में जाना चाहते हैं, किसी भी इंडियन आर्मी का हिस्सा है, जैसे बिहार का बिहार रेजिमेंट का, या आपका राजस्थान हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, कोई भी हर किसी के स्टेट के नाम से आर्मी गठन किया गया, उसमें से जिस बंदे को जुनून और ताकत है कि मुझे पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनना है, तो वो बंदा वहाँ से एक वॉलंटियर फॉर्म भरा जाता है, या वॉलंटियर फॉर्म वो लेना चाहते हैं सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी में, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं पैरा स्पेशल फोर्स हूँ, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। किस तरह से उसमें आप वॉलंटियर फॉर्म अपने सीओ से सिग्नेचर कराइए, और आप किसी भी जिस पैरा 4 पैरा 9 पैरा 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा में जाना चाहते हैं उस यूनिट को आप वो वॉलंटियर फॉर्म दीजिए, आपको यूनिट भेजेगी और वहाँ पर 3 महीना ट्रेनिंग कीजिए। अगर आपके अंदर जिगरा और मादा रखते हैं तो आप स्पेशल फोर्स का हिस्सा बनेंगे। और इतना ही नहीं, उसमें हर एक इंडियन आर्मी से आपको कमांडो अलाउंस एक्स्ट्रा मिलता है, और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है किसी भी इंडियन आर्मी के सामने हजारों के बीच में या लाखों के बीच में एक स्पेशल फोर्स खड़ा रहेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही आले दर्जे का होगा, उसमें नो डाउट। अच्छा बात बिहार के एग्जाम्स के पर करते हैं सर, जैसे कि बिहार में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, ये सब का एग्जाम होता है, जैसे मान लीजिए कि बिहार पुलिस का एग्जाम का फिजिकल कैसा होता है? सबसे पहले मैं आप बिहार का जब पूछे, इस बार जब आया हूँ, इस बार जो नीतीश सरकार ने जो काम किया है बिहार पुलिस के बच्चे को, जिस तरह से एजुकेशन से रिलेटेड जो अभी इस बार धांधली ने उन्हें दिया, उनके लिए एक बार जोरदार तारीफ कि उन्होंने पहली बार इतनी अच्छा एग्जाम का ऑर्गेनाइजेशन किया, ना एक धांधली हुआ ना ही एक चोरी। जिस तरह से विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं और क्या होते हैं क्वेश्चन लीक्स, कभी कुछ प्रॉब्लम कभी कुछ प्रॉब्लम, इस बार वाकई में तहे दिल से स्टेट सरकार को मेरे तरफ से धन्यवाद, हमारे सभी स्टूडेंट के तरफ से भी, वाकई में बहुत अच्छा काम किया। और रही बात बिहार पुलिस और किसका पूछा आपने, बिहार दरोगा, और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, अगर किसी भी इंडियन आर्मी का तैयारी करते हैं, अगर आर्मी का तैयारी करते हैं थोड़ा जज्बा तो चाहिए, थोड़ा सा जज्बा चाहिए उसमें, उसमें विल पावर, क्या बोलते हैं विल पावर, आर्मी बनना है तो विल पावर, विल पावर। और इसके बाद बिहार पुलिस और बिहार दरोगा, जब बिहार पुलिस बिहार दरोगा की बात आता तो दम तो चाहिए लेकिन टाइमिंग उसका ज्यादा है, जैसे बोलते 6.5 मिनट बिहार पुलिस, जब हम तैयारी करते हैं आर्मी का तो हमको चाहिए 5 मिनट, तो बहुत मायने रखता बॉस 1.5 मिनट का अंतर से आर्मी का ज्वाइन करने के लिए, तो उसमें जिगरा रखता है। और बिहार पुलिस बिहार दरोगा के बच्चे को, खास करके दरोगा वाले बच्चे को मैं बताना चाहूँगा, जब आप फिजिकल की तैयारी करते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं फिजिकल से दूरियाँ उसका रहता है, तो आप एक तरीका जो होता है रनिंग करने का आप उसको अपनाइए, एक अच्छे ट्रेनर के पास में जाइए, ये नहीं कि ग्राउंड में जो दौड़ रहे नहीं पता है आप उसके पास गए पांव फ्रैक्चर। और कई सारे स्टूडेंट, इस बार मैं आया था जनवरी में रिटायरमेंट होके,
31 तारीख को मेरा रिटायरमेंट हुआ था, तो यहाँ पे जब आए तो मेरे साथ में यहाँ बहुत बच्चे कर रहे थे, तो कई सारा सिंह पैन और पाँव की हिम सिंह का शिकायत हुआ था। रीजन क्या था? अनट्रेन। अभी नया बच्चा जो कि कभी बुक और कॉपी किताब से टच है, आप उसको लाइए ग्राउंड में तेज दौड़ा दीजिए तो लाजमी उसका सिंह पैन और पाँव दर्द का फ्रैक्चर का शिकायत होगा और रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है बाद में, कि आपका पाँव एक बार खराब हो गया रिकवर, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि जब आप रनिंग करते हो स्टार्टिंग में सेवन डे नॉर्मल आप एक्सरसाइज कीजिए बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज बहुत कीजिए और रनिंग बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे आप पहले 1 किलोमीटर फिर 1.5 किलोमीटर फिर 2 किलोमीटर इस तरह से स्टार्टिंग में आप तैयार कीजिए। 7 डे आप मजबूत होने दीजिए, आपका जब अब्डोमन और पाँव मजबूत है तो 100% फिजिकल बनेगा, समझ गए? ये नहीं कि पहले दिन आए, पहले दिन स्प्रिंट आए, पहले दिन हॉस्पिटल पहुंच गए और सर को बोलेंगे सर मेरा सिंह पेन और ये चीज़ प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं है। बिहार पुलिस का तो बहुत ईजी है, आदमी का बिल पावर होना चाहिए। अभी बिहार दरगाह का तैयारी करते हैं जो बच्चे, वे खास करके अभी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, प्री निकालना है, मेंस निकालना है, फिजिकल पर बहुत कम बच्चे ध्यान देते हैं, तो आप ये बताइए कि उनको फिजिकल कब शुरू कर देना चाहिए? फिजिकल मेरा एडवाइस जो मेरी है, फिजिकल इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप जब स्टडी कर रहे हैं, जब आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे स्टडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब दरोगा का तैयारी आपका मेंस निकल जाता है, इसके बाद जब आपके पास 1 महीना बचता है या 2 महीना, उतना काफ़ी है, 6.5 मिनट है काफ़ी है, लेकिन जब आप रनिंग करने के लिए आते हैं टेक्निक इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और इसके बाद फिजिकल भी कर रहे हैं, आप दोनों नहीं ले सकेंगे। बिहार दरोगा का पढ़ाई थोड़ा सा हार्ड होता है, उसमें समय देना पड़ता है, आप जब वर्कआउट करेंगे तो आपको नींद आएगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जब आप पढ़ाई में एजुकेशन ही नहीं निकाल पाइएगा स्टडी करके, आप एग्जाम पास होंगे तो आप तैयारी क्या कीजिएगा फिजिकल का? तो सबसे पहले आप अपना फिजिकल रिटर्न तैयारी कीजिए, इसके बाद क्लास ज्वाइन कीजिए, बहुत समय होता है। और खास करके पटना और बिहार के बच्चों के लिए मैं एक संदेश देना चाहूँगा, अगर आपका फिजिकल रिटर्न निकल जाता है आप पैरा सोलंकी डिफेंस अकेडमी ज्वाइन कीजिए। मैं खुद एक डिफेंस ट्रेनर रह चुका हूँ, पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा, किस तरह से स्टार्टिंग और बेसिक आपको करवाया जाता है प्रॉपर, यहाँ से एक ट्रेनिंग शेड्यूल बना हुआ है जिसका हमारे पास मेरे ऑफिस में प्रॉपर लिस्ट है किस तरह से ट्रेनिंग दिया जाता है। तो एक बार चाहेंगे आपसे सर कि आप खास करके बिहार दरोगा के बारे में बताइए कि उसमें उसके फिजिकल में क्या क्या होता है। बिहार दरोगा में फिजिकल सेम ही है, जैसे आप 6.5 मिनट का टाइमिंग है तो 6.5 मिनट में आप उसमें क्वालिफाइड कर दीजिए। सिंपल सी बात, कितना किलोमीटर दौड़ना होता है? 1.5 किलोमीटर डेढ़ किलोमीटर मात्र दौड़ना पड़ता है। 1.5 किलोमीटर कम्प्लीट के बाद इसके बाद गोला होता है, हाई जंप होता है, और गोला तो नॉर्मली कोई भी फेंक लेता है, उतना बहुत ज़्यादा मैं नहीं। इसका रनिंग और हाई जंप, जब हाई जंप आपका तैयारी करते हैं, जब हाई जंप करना होता है, जब आप रनिंग कर रहे हैं उसी दिन से, पहले दिन से आपका रनिंग शेड्यूल में आपका हाई जंप से रिलेटेड वर्कआउट होना चाहिए। वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम करा रहे हैं तो विद्यार्थी को पता भी नहीं चले हम हाई जंप कब करवा दिए, उसको क्या है? आप उसी एक्सरसाइज उसी स्टेट से पंजाब पे वर्कआउट जो होता है जो हाई जंप से रिलेटेड 2-4 कार्डियो एक्सरसाइज में शामिल कीजिए और उसको कंटिन्यू रखिए ताकि उसको बाद में प्रॉब्लम को नहीं हो। ये नहीं कि सिर्फ रनिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं हुआ। जी सर, तो आप जो है बच्चों को यहाँ पर क्या क्या करवाते सर? अभी हमारे ये बच्चे हैं, अभी बिहार पुलिस के, अभी आज टीचर डे था, सब थके हुए थे, कुछ ही स्टूडेंट हैं यहाँ पे। आज मॉर्निंग में हुआ था जो कि आप एक्चुअली वहाँ का हम वीडियो आपको देंगे, आप देख सकते हैं। जी सर, तो ये सब अभी कम स्टूडेंट आए हुए, टीचर डे का प्रोग्राम था। अच्छा सर, अभी हाल ही में झारखंड पुलिस का जो फिजिकल हुआ, इसमें ऐसा केस आया कि बच्चे दौड़ते दौड़ते उनका डेथ हो गया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? डेथ हुआ और कई सारा मैंने भी न्यूज़ देखा था, इसमें कई सारे बंदे मतलब मेंटली प्रॉब्लम सा लग रहा था और कई बंदे एक्सरसाइज रनिंग से पहले ही बेहोश हो चुके थे, संस्लेट हो चुके थे, उसका माइंड वर्क नहीं किया था, तो उसमें 100% उसने दवाई का इस्तेमाल किया था या सुई का इस्तेमाल किया था। मैं उस बच्चे और बच्चियों को बोलना चाहूँगा, आप जब रनिंग करते हैं तो ज़िंदगी बहुत अनमोल है, आप कभी भी किसी भी दवाई का और सुई का सेवन मत कीजिए। अगर किसी दवाई और सुई का इस्तेमाल करते हैं उसका क्या करता है, पावर तुरंत जो आपका बॉडी है ग्रो करता है और आप उसमें पूरा एफर्ट लगाते हैं, आप उसमें डाई होने का संभावना हो जाता है, आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। आप अगर ईमानदारी से 1 महीना भी रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज है, लेकिन ये स्टूडेंट मान के ही रेडी नहीं है। आप अगर एक्सरसाइज वर्कआउट अगर करते हैं, अगर आप आधा घंटा वर्कआउट आधा घंटा रनिंग ही करते हैं, 1 घंटा टाइमिंग है, 15 मिनट स्ट्रेचिंग करते हैं, आपका वर्कआउट बन जाएगा। लेकिन किसी भी बच्चे बच्चियां अपनी ज़िंदगी के साथ में मत खेलिए, क्योंकि जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप,
अगर फौज की तैयारी कर रहे हैं, उस दबाए खा के जा रहे हैं, तो पहले आप खुद से गद्दारी कर रहे हैं और देश के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। जी सर। मैं उस बच्चे और बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। एक इंडियन आर्मी होने के नाते जो ने कुछ गलत करें उसका हम सब, दैट इज नॉट पॉसिबल। और आर्मी बनने के लिए जा रहे हैं आप, देश की सेवा करने के लिए जा रहे हैं, आपके अंदर में नस नस में ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी होना चाहिए। ये हमारा यूनिट 4 पैरा का मोटो है, ईमानदारी, वफादारी और बहादुरी, जिस टीम से हम बिलोंग करते हैं। तो कोई भी बच्चे बच्चियां, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, सुई या दवाई लेकर रनिंग मत कीजिए। आप उससे बेटर है कि एक महीना समय दीजिए, नहीं तो आपका जो बहन माँ और आपके जो परिवार हैं जो वेट कर रहा है, उसका उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, आपका चिंता होता है। आप रनिंग करने के लिए तो आए हैं, आप कुछ ऐसा हादसा होता है तो आपको प्रॉब्लम आपकी फैमिली को होता है, आप तो चले जाते हैं लेकिन प्रॉब्लम आपके परिवार को होता है। तो सॉरी, मुझे हाथ जोड़ के विनती करूंगा उस बच्चे बच्चों को, कभी भी आप दवाई का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं सुई का इस्तेमाल आप फिजिकल कीजिए, एक महीना में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक बात सर लास्ट की, जो बच्चे फिजिकल का तैयारी करते हैं उनको कैसा और किस प्रकार का मतलब डाइट लेना चाहिए? हाँ, डाइट देखिए, पटना में अमूमन, खास करके पटना में इंडिविजुअल जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उसका मैं 5 उंगली है, 5 चीज़ याद रखिएगा। अगर 60 ग्राम सत्तू और 1 केला, 2 पीस खजूर और दूध, 250 ग्राम और गुड़ 5 ग्राम, अगर ये 5 चीज़ इस्तेमाल आप करते हैं, उसको लीजिए और मॉर्निंग में जब एक्सरसाइज करके जाते हैं तो जैसे एक साथ आप एक पटियाला बड़ा सा गिलास रखिए, उसमें घोरिए, एक बर्तन में लेके और उसको मिलाइए और एक गिलास आप पी जाइए, आप पूरा दिन एनर्जी महसूस करेंगे और आपका जो जितना बदन दर्द होता है, जॉस्टिंग पेन सब होते, दर्द महसूस करते हैं, वो चीज़ खत्म हो जाएगा। आप 7 दिन इस्तेमाल करके देखिए, अगर नहीं होता है ऐसा तो आप सोलंकी पैरा डिफेंस एकेडमी में आप कॉन्टैक्ट कीजिए और बोलिए सर आप तो बताए थे कि 60 ग्राम सत्तू, 1 केला और 250 ग्राम और दूध और 2 खजूर और गुड़ मिला के, बहुत उसमें एनर्जी है। आप देखते होंगे जब केला, टेनिस खिलाड़ी जब खेलता है तो एक केला थोड़ा सा खाता है फिर रख देता है, वाह, वो तो सोने का नेशनल लेवल का खिलाड़ी है, पावर है उसमें। आप इस्तेमाल कीजिए, जो रनिंग कर रहे हैं उस बच्चे के लिए खास करके, आप नाश्ता नहीं भी करेंगे तो उसके आपका हेल्थ बरकरार रहेगा। आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको डाइट 100% चाहिए, नहीं तो जो रनिंग कर रहे हैं वो भी रनिंग खराब हो जाएगा। और दूसरा डाइट हम बताना चाहेंगे कि आप जब पूरा दिन एनर्जी महसूस करने, जो मांस मछली नहीं खाते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, जो बंदा मीट मछली नहीं खाता, उसके लिए आप राजमा 15 ग्राम, काबुली चना जो हम छोला खाते हैं 15 ग्राम वो, और मूंग का दाल, इसको रात में आप भिंगो दीजिए। भिंगोने के बाद मॉर्निंग में उठिए और गर्म पानी में उसको गर्म कीजिए थोड़ा देर, मतलब चूल्हा पे लेके 4-5 मिनट जो भी है, जैसे गर्म हो जाता है उसको निकालिए और एक पैकेट दही लीजिए और उसमें डाल दीजिए, उसको फर्स्ट क्लास स्पून से इसके साथ में मिलाइए और उसको सेवन कीजिए, बहुत ज़्यादा पावर आप एनर्जी महसूस करेंगे उसमें। अच्छा, एक बात कि सर की जो फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनको कौन कौन सा गलती से बचना चाहिए, नहीं करना चाहिए फिजिकल से? जब स्टार्टिंग में आते हैं तो कभी भी कोई लड़का तेज़ दौड़ा उसके साथ में स्प्रिंट मत मारिए, नहीं तो आपका पाँव खराब हो जाएगा। कई सारे स्टूडेंट हैं जो कि एक दो मेरे में भी थे, रोज में समझाने के बाद भी स्प्रिंट मारे, वो आज स्टूडेंट है भी नहीं, उसका पाँव फ्रैक्चर हुआ, अभी वो दवाई करवा रहे हैं। तो आप पहला दिन ही आके स्प्रिंट 7 दिन तक मत मारिए, नहीं तो पाँव 100% खराब होगा, बाद में जब आपका पाँव मजबूत होता है इसके बाद आप कीजिए। बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी एकेडमी में आए और इनके लिए जोरदार तालियां एक बार गुड शाबाश। आइए अब कुछ देर इन लोगों से भी बात करते हैं कि लोग यहाँ पर कैसा महसूस होता है। और ये हमारा सर्टिफिकेट है सर एनएसजी का, और पैरा ये जो बैनर लगा हुआ है पैरा कमांडो एनएसजी कमांडो, ये हम 4 भाई हैं। जी सर, एक बार लीजिए, चारों भाई लीजिए, तो एक बार चारों भाई, हम एक ही माँ के हम 6 भाई हैं, लेकिन 4 भाई जो हैं आर्मी पैरा स्पेशल फोर्स में और पैरा कमांडो में, पैरा स्पेशल फोर्स में ही ज्वाइन किए थे। जी सर, हम खुद 4 पैरा एसएप में थे और मेरा ये बड़े वाला भैया 21 पैरा एसएप में थे, 1 पैरा एसएप और 5 पैरा एसएप। आइए अब यहाँ के जो छात्र है, जो स्टूडेंट है, जो फिजिकल का तैयारी करते हैं, इनसे कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि इनको फिजिकल करके कैसा लगता है, इनको कितना मेहनत करना पड़ता है और सर किस तरह से इन लोगों का सहयोग करते हैं फिजिकल का तैयारी कराने में। तो भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार हुआ और हम इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, मतलब 8-10 दिन हो गया मेरा।
सोलंकी तो यहाँ पे ज्वाइन करके आपको कैसा लग रहा है कि यहाँ पर सर अच्छा तैयारी करवा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, हम लोग के साथ में ही दौड़ाते भी है और एक्सरसाइज सर भी मेहनत करते हैं हम लोग के साथ। हाँ ऐसा मतलब फील नहीं होता है कि जैसे सर साथ में रहता है तो हम लोग का मनोबल भी बढ़ा हुआ रहता है, और सर सब कोई के साथ में मतलब करवाते हैं तो और अच्छा लगता है। थके हुए रहते हैं फिर भी जुनून मतलब रहता है एकदम करे, जब तक थके नहीं तब तक एकदम पूरा लगा। कितना देर आप लोग फिजिकल में देते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज लगभग एक घंटा प्लस करते हैं, लगभग एक घंटा डेढ़ घंटा एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से ही मतलब आपका जो भी है हाँ हाँ चार फीटी सब मारना होगा, सब एक्सरसाइज से ही बनता है। और जो दौड़ने वाला बात है तो दौड़ते भी है उसी में। तो आप कब से ज्वाइन किया एकेडमी? मेरा ज्वाइन करने से लगभग एक मंथ से ऊपर हो गया। तो एक महीना का आपका एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। उस टाइम जिस टाइम हम ज्वाइन किए थे यहाँ पे तो लग रहा था क्या होगा, नहीं होगा, रनिंग हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अभी तो बोलिए नहीं, इतना अच्छा रनिंग हो गया है। तो अभी आप कितना डेढ़ किलोमीटर मतलब आप क्या तैयारी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं। हाँ हम लोग सभी बिहारी पुलिस का भी तैयारी। तो आप लोग क्या लगता है कि आप लोग यहाँ से फिजिकल करके एग्जाम जो रनिंग होता है उसको पास कर लीजिएगा? एकदम एकदम ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स सर। यहाँ आपको बता दें कि सुबह मुझे प्रोग्राम में हम सर के शामिल हुए थे तो वहाँ पर कुछ ऐसे छात्र आए थे, ये सिलेक्शन हो गया था। यस यस सर। तो और भी कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? आप सर के बारे में यही बोलना चाहेंगे कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह देते हैं और सर भी पूरी मेहनत करते हैं, साथ में रनिंग करवाते हैं, एक्सरसाइज उनका बहुत मतलब फायदा करता है, स्टेमिना बूस्ट होता है, बॉडी मजबूत होता है। जी तो आप लोग मुख्य रूप से फोर्स का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ का डिसिप्लिन कैसा लगता है आपको? हम लोग का डिसिप्लिन बहुत अच्छा लगता है, हम लोग का जीडी का स्टूडेंट है। हाँ। दोनों जीडी इस समय हम एकेडमी में आए थे, हमारा वजन 78 केजी था। हाँ। और सर 20 दिन के अंदर में कवर करा के देखिए कितना पतला करा दिया है, पेट अंदर करवा दिया। और जो बात है रनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ पे, शुरू में आपका पूरा 7 दिन तक लगता है वर्कआउट सिखाया जाता है, उसके बाद आपको रनिंग कराया जाएगा। और हम लोग का जो जीडी का टाइम आता है इस समय 20 मिनट आता है, 24 मिनट का टाइमिंग रहता है। हाँ। 20 मिनट में हम लोग मार लेते हैं 5 किलोमीटर बस। सर का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हम लोग के सर के पास जुड़े। चलिए जब मैं शुरू में आया था पटना में, जब गांधी मैदान का पूरा चक्कर मारा तो हमको कोई ट्रेनर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए नहीं अच्छा लगा, मैं पहले से भी थोड़ा रनिंग वनिंग किया था। कहते हैं ना जब दिल को जो बात है वही होता है असली आदमी, ईमानदार सही आदमी होता है। हमको देखे सर का वर्कआउट, और जब हम शुरू में सर के पास आए वर्कआउट देखे तो सर से पहले उसी दिन एडमिशन ले लिए, कहे का वर्कआउट और जो सिखाने का तरीका था सबसे अलग था जी। बस दूसरी बात है कि सर ट्रेंड आदमी है उसमें तो अलग का एक्सपीरियंस भी है सर का, एनर्जी कमांडर रह चुके हैं सर। और यहां पूरे गांधी मैदान में सर की सबसे कम है, वो तो है सबसे बड़ी बात है। पूरे गांधी मैदान में जो है कोई भी ट्रेनर रनर के साथ रनिंग नहीं करते हैं, सर एक इकलौता है पूरे गांधी मैदान में जो हम लोग के साथ में रनिंग करते हैं। सर अगर पैरा स्पेशल फोर्स से आए हैं तो आप लोग जानते हैं कि उनका डिसिप्लिन कितना हार्ड होता होगा, और प्रत्येक दिन उन लोगों को बहुत ज्यादा दौड़ाया जाता है। कभी कभी साथ में दौड़ते हैं सर, कभी कभी सर ऐसा लगता है कि हम यहीं पे कमांडो बन चुके हैं ग्राउंड पे। आपको हम बता दे बारिश में एक दिन ऐसा लगा साला फीलिंग आया अंदर से कि आज हम लोग कमांडो बन चुके हैं। चलिए आपको एक्सरसाइज अगर सुबह में आइएगा तो और मजा आएगा दिखने में, यहाँ पे लड़का नहीं कमांडो तैयार होता है। बारिश होता है तो बारिश में भी सर नहीं छोड़ते हैं, करबे कीजिए बारिश हो तो कमांडो ट्रेनिंग। तो यहाँ के छात्रों का रिएक्शन और सर का जो ईमानदारी है बच्चों में दिख रहा है और सर में खूब बखूबी भी दिखा। तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं, जय हिंद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।